राहुल गांधी कहा है, राहुल गांधी जी नहीं, जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहां नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, मैं इतना कह सकता हूं। क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। थैंक यू। उनको ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं, तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है ईडी आईटी और सीबीआई को आगे करती है, तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि उनको पता चला है इस बारे में, और अगर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं तो आइए कार्रवाई करिए। इसी तरीके से आपने महुआ मोहित्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। तो ये प्लानिंग चल रही है कि उनके यहाँ छापेमारी होगी इस तरह? तो राहुल गांधी कह रहे तो सही कह रहे होंगे, विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से पड़ताल पहले भी किया जाता रहा है, इस पर पड़ताल? अरे कोई नहीं, जनता जिसके साथ होती है उसके सब फेल हो जाता है मामला, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी इस तरह महिलाओं के साथ छेड़खानी, योगी के मुंह से इस तरह की भाषा अच्छी लगती नहीं, लेकिन उनमें पता नहीं कब समझ आएगी। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। देखिए, कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे से दूर कभी रह नहीं सकती है, और ये सारे ही जानते हैं पंजाब में कि ये जो गरीबों में आटा और दाल देने का ये बादल साहब ने ये स्कीम लेके आए थे 2012 में, जहां लाखों गरीबों को 4 रुपए किलो आटा और 20 रुपए किलो दाल देने का उन्होंने हर गरीब तक पहुंच की थी और बहुत बढ़िया चल रही थी, और फिर सेंटर ने इसको कॉपी किया। आपको हैरानी होगी कि कांग्रेस के आने के बाद लाखों की गिनती में कार्ड काटे गए और आम आदमी ने उससे भी ज्यादा काट दिए। और अफसोस की बात यह कि कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री थे ये आशु, इन्होंने ना ही कार्ड काटे, कार्ड भी काटे, और फिर राशन को बाजार में बेचने का बहुत बड़ा इनके ऊपर घोटाले का इल्जाम हुआ, जो ये अगली सरकार ने उसको देखा और उस करके अब ईडी की रेड हुई है। तो ये आना चाहिए कि कौन कौन इसमें जिम्मेवार थे, कौन कौन इसमें लिप्त थे। आशु अकेले कर रहे थे, क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उस टाइम के थे उनका नाम भी कांग्रेस का उनका भी आता है, जो अब दूसरी पार्टी में है। सो बहुत सारी चीजें हैं, और आशु और बिट्टू की नजदीकियां तो सब ये जानते ही हैं कि जब आशु पहली बार गिरफ्तार हुए थे अपने जब अपने बाबर की दुकान में बैठे थे, तो बिट्टू जी वहां पे पहुंच के उनको बचाने के लिए पूरी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सो सारा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और गरीब का राशन जो खा गया है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मिसयूज हो रहा है सेंट्रल एजेंसी? हाँ, सेंट्रल एजेंसीज मिसयूज तो जरूर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विरोधियों के खिलाफ सबसे ज्यादा होती है, अपनों के खिलाफ तो क्लीन चिट मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है बीजेपी मिसयूज करती है। लेकिन हाँ, इस केस में तो सब जानते हैं कि चाहे आशु हो या बहुत सारे दूसरे कांग्रेसी, किसी ने कोरोना की दवाई प्राइवेट अस्पतालों को बेच के वो पैसा कमा गए। अब एक यहाँ पे सबका मुख्यमंत्री भी आए हैं, उनके ऊपर भी बड़े बड़े घोटालों की चीजें। सो बहुत घोटाले कांग्रेस और घोटाले तो कभी